तो गाइस अभी क्या सीन है, ये भाई जो है ना अंदर जाके कुछ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन है। तो मैंने क्या बोला भाई से, मैं आपको कैमरा दे रहा हूँ, हमें भी तो दिखाओ। ये भाई लेके जाने वाले हैं अंडर वाटर शॉट्स लेके आएंगे, तो भाई लो। सो गाइस हम कुछ इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं फॉल्स की तरफ, और हम बस एक गट फीलिंग ले रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमें कोई रास्ते पर दिख नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है वो रास्ता जा रहा है, रास्ता आप खुद ही देख लो कैसा है कैसा नहीं है। अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो जैसे फटके दो तो रहती है, फटके चार हो जाए आदमी की। अगर अकेला हो साली सारी सोलो ट्रैवलिंग निकल जाए। हम अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं, कोई नहीं है, देख लो हमारे आगे ना हमारे पीछे। फिर यार फिर ये वाला व्लॉग बन गया जिसे मम्मी देख के मुझे गाली देखेगी। पानी की भी आवाज़ नहीं आ रही, यही तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है। आराम से आराम से आराम से आराम से। ओह माय फ्रिकिंग गॉड गाइस, मतलब अब ये देख के मेरी भी हालत कुछ खराब हो गई। रास्ता देखो, ये रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। और अभी लोग चढ़ते पता क्या बोल के जा रहे हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट, और मैं इसके बाद यहाँ नहीं आने वाला हूँ। वो देखो कैसे, आपको समझ रहे हो कैसे आना पड़ेगा। अभी हम जाने के लिए नीचे तैयार हो गए, कैमरा लगा लिया मैंने कंधे पे, क्योंकि अगर कैमरा हाथ में पकड़ा ना भाई तो मैं फिर शायद कुछ पकड़ने के लायक नहीं रहूँगा। ये ट्रैक ऐसा है, आप देख रहे हो ऐसे जो उतरना पड़ता है यहाँ पे, और फुली आप समझ पाओ कि मैंने कैमरा वहाँ क्यों लगाया है। जो मैं लोगों की हालत देख रहा हूँ ना ऊपर चढ़ते हुए, उसे देख के ही लग रहा है कि अभी यहाँ से बहुत दूर है ना। हाँ। अभी यहाँ से तो बहुत दूर है, सबके मुंह ऐसे लटके पड़े हैं। हाँ भाई ये देख रहे हो, अगर तुम जरा से भी यहाँ पे स्लिप हुए ना तुम्हारे लगने वाले हैं बढ़िया। ये भी काई है देखो, तो वाई शूटिंग फॉल्स में ये सब चीज़ें देख के आना कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अरे भाई रे है ना, ज़बरदस्ती का रास्ता बनाया है ये। हाँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, ठीक है। मैं बोलने वाला था जैसे स्कूल में बोलते थे ना, यू आर वेलकम, इससे ज़्यादा आता भी तो ना है। चुप ही रहो, कम 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 कम, सोचना पड़ता 5 मिनट का जवाब ना। मैं कह सच्चा चुप ही, अगला आदमी गया होगा बड़े रूड है। देखो भाई नैना जाती हुई, हालत इतनी ख़राब है कि आज के बाद ये कोई ट्रैक पे नहीं आएगी। इसके मन कर रहा है कि मैं आकाश को बस बोल दूँ कैमरा ऑफ हो है ना, तो बोल दूँ कि भाई तू मुझे क्यों लेके आया यहाँ पे, कैमरे के सामने दिखा रही है कि बहुत जाबाज है। बस 3 अटेम्प्ट है। ओ इसका मतलब तू तो माउंट एवरेस्ट जाने वाली सीधा है ना। सो गाइस लगता है फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। हाँ बस हो गया काम, आ गए। अभी हम देखने जा रहे हैं वॉल का पहला लुक। वो भाई ये, हाँ ये कुछ है वर्थ, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये देखो आप पानी, वो बहुत ही सुंदर भाई, ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, ये हैं यहाँ पे, क्या अमेजिंग व्यू है कि नहीं, खूबसूरती के बारे में आप क्या बोलोगे। ये इसके लिए आप इतना ट्रैक नहीं करते क्या, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये स्टेप इतना क्लियर है पानी, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है भाई। वाकई में ये वाटरफॉल जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे चेरापुंजी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल यही लगा है। अमेजिंग एम्बियंस है, अमेजिंग व्यू है। और वो देखो आप वहाँ से गिरता हुआ है, 3 फ्लोर का है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं इस वाटरफॉल के सेकंड फ्लोर पे, मतलब ये इस वाटरफॉल में 3 3 स्टेप्स हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया नीचे वाला जो हमारा वाटरफॉल है उसके जैसा सेम वाटरफॉल आपको सेकंड फ्लोर पे भी मिलता है। और यहाँ के नज़ारे बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पर भी काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और यही वो जगह है जहाँ पर हम इस वाटरफॉल के अंदर डाइव करके अंदर से शॉट लेके आने वाले हैं, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू होने वाला है। तो चलिए करते हैं जल्दी से डाइव। तो गाइस अभी क्या सीन है, ये भाई जो है ना अंदर जाके कुछ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन है। तो मैंने क्या बोला भाई से, मैं आपको कैमरा दे रहा हूँ,
हमें भी तो दिखाओ, मैं तो जा नहीं सकता अभी पानी है भाई, मेरे पूरे कपड़े पहने हुए और मेरी सही में बताऊँ तो बहुत फट रही है, कितना ठंडा पानी होगा, बहुत हिम्मत करके वहाँ से जा रहा है भाई। ढूंढ लिया है ये भाई, लेके जाने वाले हैं अंडर वाटर शॉर्ट्स लेके आएंगे आपके लिए, तो भाई लो इसको बांध लो हाथ पे। भाई ने इतना गजब शॉट लिया है ना, ये देख रहे हो भाई खड़े हुए कांप रहे हैं। I can feel my whole body is feeling numb. I can feel anything. भाई दिसंबर चल रहा है, इतना ठंडा है ना ये, और भाई इतना गजब शॉट लेके आए हैं। इस शॉट के लिए एक फॉलो सब्सक्राइब लाइक वो भी बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा है वहां पे। You can walk like 2-3 meters. It's like only this much water is there. It's shallow. You can go there, wear a goggles and take a look underwater. It's so beautiful. It's awesome. But it's super cold. It's super cold. I mean, maybe if you spend like 20 minutes, your heart might stop there. It's that cold. ऐसी खूबसूरती को ऑब्जर्व करो, मेघालय में आओ, फिर निकलेंगे वापस चिरापुंजी की तरफ, जो यहाँ से हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। रात मैंने नाश्ता भी नहीं किया और बज गए 4, एक्चुअली फास्टिंग हो गई 16-17 घंटे की। तो मैं एक बात बता दूँ, बारिश के टाइम में भाई यहाँ इतना फ्लो होता होगा मेरे हिसाब से, चारों तरफ से पानी गिरता होगा, देख रहे हो ये पानी में रहता है काफ़ी टाइम तक, तभी ये पत्थर ऐसे हैं। A few moments later. So guys, ट्रैवलर्स की जैकेट उतर चुकी है, मुंह लाल हुए पड़े हैं पत्थरों पर चढ़ चढ़ के। वी सुडोंग फॉल्स को देखने की जो मस्ती थी, वो वी सुडोंग फॉल्स से निकलने के बाद उन सीढ़ियों ने हमसे छीन ली है। अभी का यही विस्तार है, अकेले जंगल में हम कहीं जा रहे हैं, पता नहीं रास्ता सही है कि गलत है। योगा विद नैना का योगा उन्हें छोड़ के जा चुका है नहीं। अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ, जो हम उम्मीद करते हैं सामने होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि नहीं है? Yes. तो वो उम्मीद करते हैं। कैसा लगा आपको वी सुडोंग फॉल्स? ट्रैवलर्स अपनी थोड़ी सी देर के लिए मस्ती भूल चुके हैं, इसलिए हमें नहीं लगता हम आपको और ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद रास्ता भटक चुके हैं। क्या यही वो रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल पे लेके जाएगा? देखते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में शक्तिमान की ताकतों के साथ। सिद्धार्थ चौधरी को फॉलो करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तो अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यस, देखा, और अपनी तारीफ हो रही हो तो कैमरा तुरंत उस तरफ कर दें, ठीक है? कोई भी अपनी तारीफ का मौका बिल्कुल ना छोड़े, कोई भी मोटिवेशन आपको मोटिवेट कर सकती है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सब बखैर।